हेलो एवरीवन दिस इज नेहा फ्रॉम वाइश आई एस और आज हम फिर से आपके लिए करंट अफेयर सीरीज का एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि आपने दिसंबर मंथ में नोटिस किया होगा कि हमारे नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में हमारा कल्चर हमारे इंडियन कल्चर का जो पार्ट है नॉर्थ ईस्ट सेक्शन में आप देखेंगे दिस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल फेस्टिवल अराउंड एंड मोस्ट नोन इवन इट इज कॉल्ड फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स तो आप एक चीज नोटिस करेंगे कि इस फेस्टिवल की यूनिकनेस क्या है और यूनिकनेस के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में इसका क्या योगदान है ठीक है इसका क्या कंट्रीब्यूशन है इस फेस्टिवल का अब हम क्या करते हैं जो भी ये सीरीज लेके आ रहे हैं इसमें हम करंट अफेयर्स के मोस्ट रिसेंट टॉपिक्स लेके आते हैं ठीक है ये सीरीज पूरी हिंदी में चलेगी कंटेंट विल बी इन इंग्लिश तो दोनों मीडियम ऑफ मीडियम ऑफ स्टूडेंट्स को ईजी रहेगा समझने रहे में ठीक है देखिए अब फेस्टिवल आप विकिपीडिया पे भी सर्च करेंगे तो यू सी कि दिसंबर स्टार्ट होते ही फर्स्ट टू तो टेंथ दिसंबर हर साल ठीक है हर साल के फर्स्ट टू तो टेंथ दिसंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में जो कि कहा है हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ओके अब इसे फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है अब एक चीज देखना ये चीज हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है पढ़ना बिकॉज आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट लुक ईस्ट पॉलिसी तो ये सब पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों लाती है बिकॉज ये वो सेगमेंट है जो हम ये नहीं कहेंगे कि लेफ्ट ओवर रह गया है बट ऐसा नहीं है बट वी कैन से कि ये स्पेशल अटेंशन सेक्शन है जिसपे अटेंशन चाहिए और इसमें इतनी यूनिकनेस है इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दैट यू विल एक्चुअली सी कि इंडियन कल्चर क्या है ओके okay? तो एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर यू विल फाइंड देयर उनकी लिविंग डिफरेंट है तो नॉर्थ ईस्ट पे आपको इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि आप कहीं पे भी नोटिस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नॉर्थ ईस्ट एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट बनेगा ओके हमारे सिलेबस में भी नॉर्थ ईस्ट को इम्पोर्टेंस दी गई है और राइट अब फर्स्ट टू टेंथ डिसम्बर को ये क्या किया जाता है सेलिब्रेट ओके okay? अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है इंपॉर्टेंस क्या है देखो आपने ट्राइब्स पढ़े होंगे कि नागालैंड ट्राइब्स कौन से रहते हैं उधर इट्स एरिया इट हैज अ ट्राइबल एरिया टू ओके तो नागालैंड में आप ये देखेंगे जो नागा हेरिटेज है ना उसकी अपना एक अलग ही ट्रेडिशन है ठीक uh, है, है उसका एक अलग ही हेरिटेज है उसकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है उसका एक अलग ही फॉर्म ऑफ लिविंग है मतलब उस जो ट्राइबल है नागा जो ट्राइब्स है तो ये क्या करते हैं ये मतलब हॉर्नबिल फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है कि जो हमारा नागा हेरिटेज और ट्रेडिशन है ना उसकी जो एक है उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसकी जो रिचनेस है उस आपके नागा हेरिटेज एंड ट्रेडिशन की उसको रिवाइव करा जा सके कि अगर कुछ लॉस्ट है ठीक है अगर कुछ लॉस्ट है मतलब कि उसको और रिप्लानिश किया जा सके ठीक है उसको और रिवाइव किया जा सके उसको और बूस्ट दिया जा सके उसको प्रोटेक्ट किया जा सके ए मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड इज प्रोटेक्ट किया जा सके और उसे इस फॉर्म में प्रोटेक्ट किया जा सके कि आगे एक लॉन्ग टर्म तक उसे सस्टेन किया जा सके एंड प्रमोटिंग एंड ब्रिंगिंग देम इक्वल टू आर सोसाइटी ऑल राइट तो सिग्निफिकेंस देखो ये वर्ड याद रखना टू रिवाइव प्रोटेक्ट सस्टेन प्रमोट आर पी एस पी द रिचनेस ऑफ नागा हेरिटेज एंड ट्रेडिशन और राइट अब ये याद रखना इसलिए जरूरी है आप आप लिखेंगे तो उसमें इतनी कहानी घुमाने की जरूरत नहीं है लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ इट ठीक है आगे देखो अब ये बनाया किसके लिए जाता है मतलब इसका थीम मान लो या फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल किसके नाम से बनाया दिस इज ऑन द नेम ऑफ दिस बर्ड हॉर्नबिल ओके इसका आयु स्टेटस देखोगे आप प्रेजेंटली तो इट्स वल्नरेबल अब वल्नरेबल डिटेल में मैं इसलिए नहीं जाऊंगी बिकॉज इन फ्यूचर हम जब आई का वीडियो लेके आएंगे डिपेंडिंग ऑन योर डिमांड डिमांड कि आप क्या करते हैं अगर आपका ऐसा डिमांड है कि आपको IUCN के बारे में भी जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए देन हम एक वीडियो उसका भी ले आएंगे बट याद रखिए कि हॉर्नबिल जो बर्ड है इस जिसका स्टेटस क्या है वल्नरेबल विच इज बीन फाउंड इन नागालैंड उसके उसको उसके, उसके उसके नेम पे ये है आगे देखो अब नागालैंड का जोग्राफिकल सिग्निफिकेंस uh, क्या है कि जो नागालैंड है ना ये आपके वन, आ, वेंटा, वेंटा, वेंटेज पॉइंट पे है वेंटेज पॉइंट क्या होता है एक व्यू पॉइंट नहीं होता जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी हिली एरिया में जाते हैं तो उसे बोलते हैं इज सनसेट पॉइंट दिस इज दैट पॉइंट दिस इज दैट तो इट्स वेंटेज पॉइंट इज दैट काइंड ऑफ थिंग कि एक व्यू पॉइंट है ये और ये साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे है यहाँ पे आप बोल सकते दिस एंट्री टू साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्थ ईस्ट तो आपको पता ही है ये पाइब है हमारी गवर्नमेंट का एक्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी में तो इसको ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है वो क्यों लाई गई अब देखो इस डिटेल इस जो वीडियो में वील बी मोस्टली टॉकिंग अबाउट हॉर्नबिल फेस्टिवल बट थिंग इज कि आपको ये भी जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट की किस पॉलिसी को प्रमोट कर रहा है समझ पा रहे हैं आप कि गवर्नमेंट को किस पॉलिसी को प्रमोट कर रहा है और क्यों कर रहा है तो देखो नागालैंड का मैप देखो साउथ ईस्ट एशिया में ये कैसे है हमारे इम्पोर्टेंस है दिस नागालैंड ओवर सी दिस इज नागालैंड और इसका मेजर व्यू ये है अब आप जाके क्या करना अपना एटलिस्ट खोलना एंड जस्ट विजिट नागालैंड ठीक है थ्रू मैप्स तो नागालैंड को विजिट करो आगे देखो हाँ आ, हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं उससे पहले एक बहुत जनरल सा डेक्लेन है दैट हमारे वाइश आई एस की जो तो टेस्ट सीरीज है वो ऑलरेडी लाइव है और मोस्ट कॉम्प्रसिव है एंड आपको पता ही होगा दिस इज इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड यूपीएससी चैनल ठीक है तो आपको टेस्ट टेस्ट सीरीज एक बहुत बेसिक अमाउंट में देनी पड़ेगी एक बहुत बेसिक अमाउंट है ऑल राइट और बेसिक अमाउंट के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज भी प्रोवाइड किए जाते हैं जस्ट अप्रोच वन थिंग कि आपका जो टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है इसका शेड्यूल ही आप एक बार देखेंगे तो विल कम टू सी कि हाँ यार ऐसा प्रेपरेशन तो हमें चाहिए था बहुत टाइम से ठीक है तो आप ट्राई करिए कि एक बार टेस्ट सीरीज को आप अप्रोच करें ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको क्लासेस भी दे रहे हैं आप वाइश आइए चैनल पे जाइए और वहां पे आपको वीडियोस मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है फेसबुक यूट्यूब जी पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट वाइश सर से आपको कॉन्टेक्ट करना है तो सेवन टू जीरो जीरो सिक्स एट वन सिक्स सेवन फाइव कॉन्टेक्ट करिए जस्ट कम थ्रू द सिलेबस एंड जो भी है आपका शेड्यूल है उस पर देखिए एंड यू विल सी द यूर सेल्फी आपको किसी के जरूरत भी नहीं है बताने की एक बार शेड्यूल जो जो देख लेगा उसे अपने आप समझ आ जाएगा जो एक शेड्यूलियस यूपीएससी एस्पिरेंट होगा कि ठीक है दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रसिव और उस प्राइज में आपको जो मिल रहा है दिस इज एक्चुअली वर्थ इट तो हमें बताने की जरूरत नहीं है ना किसी स्टूडेंट को बताने की जरूरत है यू विल योर सेल्फ सी कि टेस्ट सीरीज का क्या डिफरेंस है ओके okay? और क्या यूनिकनेस है देखो आगे चलो जो ट्राइब हम हॉर्नबिल फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे थे कि जो ट्राइब्स ऑफ नागालैंड है ना ये अपना जो फेस्टिवल है बहुत धूमधाम से मनाती है ठीक है अब आप एक चीज देखेंगे जो नागालैंड की 60 परसेंट पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे तो ये जो फेस्टिवल है ऑलमोस्ट किसके अराउंड रिवॉल्व करता है एग्रीकल्चर के तो, तो मतलब इस फेस्टिवल को ये बहुत ऐसे पुण्य वाला काम बोल सकते हो एकदम सेक्रेट मानते हैं और इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेशन भी कम्पल्सरी है नागा ट्राइब्स का समझ रहे हैं आप तो नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो ईच ट्राइब है ना वो खुद का फेस्टिवल उसी डेडिकेशन और पैशन के साथ सेलिब्रेट करता है जो दूसरे करते हैं ठीक है और कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किए जा सकते हैं इन इनपे थोड़ा सा ध्यान दे लो अभी रीड करते वक्त रीजन बी कुछ भी पूछा जा सकता है हाँ अब देखो नागालैंड के आपको ट्राइब्स पता होगी कुकीज ट्राइव कचेरीज ठीक है चक आई एम सॉरी इफ मैं गलत कर रही हूं, तो इनको जस्ट अः uh, आपको देखना इज मोर इम्पोर्टेंट हो गई है ठीक है अब देखो उस टाइप की आपका मोत्सु दिस फेस्टिवल ओलिंग सेक्रेनी से हंगामीज का बुशु कचरीज का मिमकुट कुकीज का ठीक है ये वाला जो पैराग्राफ है ना इस पे थोड़ा सा एक रीड देना और चाहो तो सिर्फ लिख लो देखो आपको क्या करना है अभी जो ये पैराग्राफ दिख रहा है ना आपको इसमें आपको करना है कि एक एक जगह फेस्टिवल लिखो एक जगह ट्राइब्स लिखो ऊपर नागालैंड हेडिंग डाल दो या हेडिंग में हॉर्नबिल डाल लो तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि ठीक है ओके फेस्टिवल्स की बात हो रही है इस टॉपिक में तो आपको याद भी रहेगा ठीक है अब ये फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जाता है ना गवर्नमेंट ऑफ नागा नागालैंड की ये हॉर्नबिल फेस्टिवल इसलिए हर साल मनाता है फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में क्योंकि ये इंटर ट्राइबल इंटरेक्शन को प्रमोट करना चाहता है ठीक है कल्चरल हेरिटेज ऑफ नागालैंड को प्रमोट करना चाहता है अब हॉर्नबिल फेस्टिवल का मतलब ये नहीं है कि बस फेस्टिवल हो गया इंटर इससे आप आगे देखोगे इनको कितना इकोनॉमिकल गेन है इनको कितना टूरिज्म uh, को इनके बूस्ट मिलता है ठीक है आप ये आगे देखोगे आगे देखो अब क्या है ये कौ, कौ, करवाता कौन है अपने uh, हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफकोर्स स्टेट टूरिज्म करवाएगा और आप चीज़, एक चीज देखेंगे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पॉइंट आप कह सकते हो जो अट्रैक्शन है इसके टूरिज्म का ठीक है uh, org, कौन ऑर्गेनाइज करता है इसको स्टेट टूरिज्म आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट अब देखो हॉर्नबेल फेस्टिवल जो है ना वो क्या दिखाता है वो कल्चर दिखाता है आपका ग्रुप ऑफ कल्चर दिखाता है कि देखो कितने ही सारा जो कल्चर है कितना वेराइटी सारा तो क्या है मतलब कितना वेराइटी ऑफ कल्चर एक छत के नीचे है समझ रहे हैं आप एक Uh, आकाश के नीचे है ठीक है तो दिस फेस्टिवल यूजली टेक्स प्लेस बिटवीन फर्स्ट टू टेन दिसंबर मैंने बताया एवरी ईयर इन कोहिमा ठीक है और जो यहाँ पे आप ये देखोगे जो दीमापुर है उसके पास तो म्यूजिक फेस्टिवल भी होते हैं रॉक कॉन्टेस्ट भी होते हैं तो ये कोई छोटा फेस्टिवल नहीं है दिस इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम फर्स्ट टू टेन दिसंबर इंटर क्या बताया था मैंने इंटर ट्राइबल इंट्रैक्शन ओके आगे देखो अब आपको पता है कहाँ होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागा हेरिटेज विलेज में किसामा जो कहाँ से दूर है कोहिमा से बारह किलोमीटर दूर है किसामा याद रखना किसामा ओके किससे दूर है ये बारह किलोमीटर अपने कोहिमा से और जो तो नागालैंड की जितनी भी ट्राइब्स है ना ऑल ऑल वो सारी इसमें क्या लेती है पार्टिसिपेट तभी तो ये आ, मतलब एकदम ग्रुप ऑफ कल्चर बताता है अंडर वन रूफ ओके और इस फेस्टिवल का एम क्या है हम आगे पढ़ के आ चुके हैं सिग्निफिकेंस कि रिवाइव एंड प्रोटेक्ट द रिच कल्चर ऑफ नागालैंड और इसके ट्रेडिशन एक्स्ट्रा वैंगा दिखाना एक्जैक्टली है क्या ठीक है मतलब आप ये देख सकते हो कि वहां जो विजिटर्स होते हैं ना उनको नागालैंड के कल्चर और लोगों के बारे में एक बहुत क्लोज अंडरस्टैंडिंग मिलती है और ये भी आप मान के चलो ये मतलब इन योर इंडिया इफ यू आर विजिटिंग नागालैंड ड्यूरिंग दिस टाइम तो फूड सॉन्ग डांस कस्टम सब एंजॉय कर पाएंगे ठीक है तो दिस इज नॉट दैट फेस्टिवल इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फेस्टिवल बिलीव मी मतलब आप वीडियोज भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओके okay, uh, मतलब इतना क्लोजर अंडरस्टैंडिंग मिलती है नागालैंड के कल्चर के बारे में और राइट right? उसके कस्टम के बारे में तो इफ यू एवर विजिट टू नागालैंड बिटवीन फर्स्ट टू टेंथ दिसंबर आपको वो कल्चर अपने आप देखने को मिल जाएगा आपको फूड सॉन्ग डांस रॉक कॉन्टेस्ट तक होते हैं तो ठीक है अब इम्पोर्टेंट फीचर देखो ये हॉर्नबिल के नाम पे दिया गया है बिकॉज तो ये ग्लोबली रिस्पेक्टेड बर्ड है और इसको फोकलोर्स में भी बताया गया है इसके स्टेट ट्राइब में बर्ड देख लो एक बार वापस ठीक है हॉर्नबिल दिख रहा है ठीक है आगे देखो है ना और जो वीक लॉन्ग फेस्टिवल है ना फर्स्ट टू टेंथ दिसंबर का ये मतलब वन एंड ऑल लांगालैंड को जोड़ता है ठीक है और लोगों को कलरफुल परफॉर्मेंस पसंद आती है क्राफ्ट पसंद आते हैं स्पोर्ट्स पसंद आते हैं फूड फेयर्स पसंद आते हैं गेम्स एंड सेरेमनीज पसंद आती है तो ट्रेडिशनल आर्ट जैसे पेंटिंग हुआ वुड कार्विंग हुआ स्कल्पचर्स हुए इनको भी डिस्प्ले किया जाता है आप ये देख लो ना जैसे कोई भी फेस्टिवल मतलब लिटरेचर फेस्टिवल्स उसमें क्या होता है अलग 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 चीजें डिस्प्ले की जाती है वैसे यहाँ पे भी होता है ठीक है अपने आप में बहुत ग्रैंड लेवल पे होता है ये तो फेस्टिवल में आपके ट्रेडिशनल लागा एग्जीबिशन तक होती है आर्ट एंड क्राफ्ट बिकते हैं फूड की स्टॉल्स लगती है हर्बल मेडिसिन की स्टॉल्स लगती है फ्लावर फ्लारूज एंड सेल्स मतलब बहुत सारी चीजें आपको देखने मिलेंगी कल कल्च्र... कल्चरल मेडले आपको दिखेगा सॉन्ग डांस फैशन शो तक होता है वहां पे मतलब आपको नागर राइज आप देखेंगे कि हाउ ब्यूटिफुल दे ड्रेस ठीक है ब्यूटी कॉन्टेस्ट तक होता है ट्रेडिशनल आर्चरी भी होता है भी 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 होती है गेम्स होते है, भी होते म्यूजिक देखो मेरा इतना लंबा ये सब इसको एक्सप्लेन करने का रीजन सिर्फ ये है जिससे आपके दिमाग में एक चीज ये पॉइंट्स रहे कि ठीक है ब्यूटी कॉन्टेस्ट करके भी कुछ होता था तो इट विल एडॉन टू योर वर्ड ठीक है रेसलिंग जैसा कुछ होता है तो इट विल एडोन टू योर कंटेंट अगर आप ऐसे भी लिख रहे हैं तो आप इजीली लिख पाएंगे आगे देखो इसका इकोनॉमिक पोटेंशियल क्या है अब ऑफ सी बात है ग्रैंड लेवल पे इतना सब कुछ हो रहा है मेडिसिन हर्बल फूड स्टॉल आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबीशन फ्लावर्स बिक रहे हैं सेल्स हो रही है सॉन्ग हो रहे हैं डांस हो रहे हैं तो ऑफ ऑफकोर्स उसका कुछ इकोनॉमिक पोटेंशियल भी होगा टूरिज्म को एनहानस मिलेगा आपके ठीक है तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ना इसने कॉन्ट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली स्टेट के टूरिज्म ब्रांड को बढ़ाने में अब टूरिज्म प्रमोटर्स ये मानते हैं कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड में है ना कि टूरिस्ट को ना एक मिलता है डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ नागालैंड के बारे में जानने को मिलता है और लोग बहुत क्यूरियस है इस ट्राइब को जानने के लिए ठीक है यू रीड ऑन वेरियस बुक्स तो आपको पता चलेगा कि इस इस ट्राइब को जानने के लिए पीपल आर क्यूरियस इनफ की उनके इंसाइट जान हैं उनको ठीक है तो टूरिज्म प्रमोटर्स भी यही मान के चलते हैं और ये आपको पता चलेगा कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना इससे एक रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ स्टेट ऑफ नागालैंड दिखता है इंडिया दिखता है और इसका आर्किटेक्चर इसके एथनिक कुंस दे आर टू द नेक्स्ट लेवल नॉट ठीक है तो अभी आपको क्या करना है जस्ट गो एंड वॉच इसके वीडियोज आज ठीक है इस वीडियोस को इस वीडियो को एक बार वापस देखो यू विल एक्चुअली कम टू नो कि हमने कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको कवर किया है ओके okay. अब कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करने के साथ साथ वी हैव ट्राइड आपको एक अल्टीमेट ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए अब आपको क्या करना है नागर ट्राइब्स के बारे में जानो और एक दो वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चलेगा आपको अपनी यूनिकनेस दिखेगी आप ये देखो इनके आप ये फेदर्स देख पा रहे हो इनकी जो तो इन्होंने हैट्स लगाई हुई है तो एक यूनिकनेस ऑफ कल्चर दिखता है ऐसा हमारे इस सेक्शन में थोड़ी देखने को मिलेगा ठीक है समझ पा रहे हैं तो वही हमारे बताने का मकसद है कि Uh, वीडियो को पूरा देखा करिए बिकॉज फिफ्टीन मिनट इज नॉट अ बिग टाइम आई गेस राइट तो एक चलते चलते आप वॉक करते करते अर्ली मॉर्निंग आपने ऑन कर दिया आपको एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल गया जानने को मिल गया इंडिया के बारे में जानने को मिल गया ठीक है सो आई होप यू लाइक द वीडियो ऐसे ही कनेक्टेड रहिए हम ये सीरीज कंटिन्यू लाते जा रहे हैं बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर डेडिकेशन एंड आपका थोड़ा पार्टिसिपेशन हमें चाहिए अच्छा लगता है ठीक है और इसके अलावा हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है it और बाकी आप आइसर से कॉन्टेक्ट कीजिए फ्री मेंटरशिप मिलेगी आपको ठीक है फ्री कोर्सेज मिल रहे हैं हिज ओनली पर्पज इज टू टीच तो वो यहाँ पढ़ा रहे हैं और आपको इतना दिलवा पा रहे इतना दे रहे हैं अपना टाइम एंड एफर्ट्स सो so, आप भी अपना एफर्ट दिखाइए थोड़ा आई होप यू लाइक द वीडियो सो डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल स्टे कनेक्टेड थैंक यू सो मच अट बाय